हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि गूगल का जीमेल अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो आप मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र में आप जा सकते हैं, या तो फिर गूगल क्रोम आपके मोबाइल में है तो आप उसमें जा सकते हैं। आइए हम आपको लैपटॉप में करके दिखाते हैं। लैपटॉप और मोबाइल का जो भी प्रोसेस क्रिएट अकाउंट का रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप क्रोम में जाइए। क्रोम में जाने के बाद google.com आप ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से आपको ओपन होगा और यहाँ पर आप लिख देंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट या फिर क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो आप क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट ईमेल अकाउंट पे हम क्लिक किए, तो यहाँ पे ऑप्शन है account.google.com, इस तरह का साइट आपको ओपन हो जाएगा। क्रिएट योर गूगल अकाउंट, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम, आपको यूज़र नेम सिलेक्ट करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम फिलअप कर लेते हैं, जैसा कि हम अपने नेम पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, सर नेम डाल दिया। यहाँ पे हमें क्या यूज़र नेम चाहिए हम अपने बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। जैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इस तरह का नाम डाला तो अवेलेबल नहीं है ये नेम, तो नीचे अवेलेबल नेम हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसा कि VV0587111, इस तरह का हम ईमेल आईडी, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ये हमारा ईमेल आईडी हो जाएगा VV0587111@gmail.com। और उसके बाद अगर हम कोई डिफरेंट भी चाहते हैं तो आप यहाँ से नेम कुछ भी डालिए, चेंज करिए और वहाँ पे आपको अवेलेबल जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करना है। पासवर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड में फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल लेटर आप लिखिए, एट द रेट लगा दीजिए, जो भी नंबर आपका फेवरेट नंबर है उसको आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे हम आपको शो करके दिखा देते हैं, शो पासवर्ड करके। यहाँ पे देखिए vikas@123vikas@123, कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड आपका दोनों मैच होना चाहिए। इसको आप शो पासवर्ड पे अनटिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ से टिक करके आप पासवर्ड को मैच कर सकते हैं। देख, इसे हम अनटिक कर देते हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है, छोटा सा एरो बना हुआ है डाउन एरो, यहाँ से आप सिलेक्ट करके जो भी कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। अभी के लिए हम लोग सऊदी लोकेशन पे हैं, सऊदी अरबिया, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये मोबाइल नंबर हम डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड गया होगा, तो हम आपको वो भी चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए गूगल की तरफ से हमें मैसेज आया हुआ है, ये हमें पासवर्ड वहाँ पे डालना है 605586, ये हम डाल देते हैं वहाँ पे 605586 और हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ऑप्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है। रिकवरी ईमेल एड्रेस में ये होता है कि अगर कभी भी आपका ऐसा हुआ कि मोबाइल नंबर आप कहीं भूल गए या सिम आपका लॉस्ट हो गया, तो आपने जीमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, मतलब रिसेट करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल अगर डाले रहेंगे तो आप इजी वे में पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप मोबाइल पे ही डिपेंड रहेंगे तो मोबाइल आपका लॉस्ट हो गया, सिम लॉस्ट हो गया, तो दोबारा आप इसको पासवर्ड आपको वो रिसेट करना है या भूल गए हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं उसके बाद अभी अगर आपको रिकवरी करना है तो इसके लिए ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे अगर चाहिए तो किसी और का, आपका कोई फ्रेंड हो या फैमिली का कोई भी हो, तो उसका पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सॉरी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। तो हम ईमेल आईडी यहाँ पर हम डाल देते हैं, जैसे कि हमारा ये दूसरा ईमेल आईडी, हम यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे
ये सिर्फ हमारे सेफ्टी के लिए है, कभी भी अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम यहाँ से पासवर्ड भूल जाते हैं, सिम कार्ड लॉस्ट हो जाता है, तो हम ईमेल आईडी के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं अपने अकाउंट को। और यहाँ पे नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्ट करना है, योर बर्थडे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आपका यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल यानी जो आपको चाहिए, मुझे मेल चाहिए तो हम मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रिसीव अ वीडियो कॉल या गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, तो यहाँ से यस आई एम इन करके ऑप्शन है या स्किप आप कर सकते हैं, हम यस आई एम इन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप गूगल का प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये अकाउंट क्रिएट करने में क्या क्या चीज़ आपको एग्री होना पड़ता है, ये आप इसको रीड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप एग्री कर सकते हैं, एग्री आपको करना ही होगा अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो। आई एग्री पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आई एग्री पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए वेलकम विकास विश्वकर्मा, हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ से देखिए हम यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं, गूगल प्ले ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मैप पे जा सकते हैं, तो इस तरह से हम अपने अकाउंट को जहाँ भी यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल गूगल का ईमेल अकाउंट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।